अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। सो आज हम जा रहे हैं पार्क और बीच पे, तो सी व्यू जाएंगे हम। सबसे पहले तो हम पार्क जाएंगे, उसके बाद हम सी व्यू जाएंगे। तो भाई हमें रखने हैं एक एक ड्रेस इनके, क्योंकि पानी में भी लाजमी अगर भीग गए या कुछ भी हो गया तो इनके कपड़े होने चाहिए, एक ड्रेस तो होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ रखा है एप्पल, मैंगो, एक ड्रेस और एक प्लेट, नाइफ, ग्लास, ताकि ये सब बच्चों की चीज़ें हमारे पास मौजूद हो, भूख लगे या इन्हें कुछ भी ऐसा कुछ हो तो हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, मायोनीज़ मैंने रख लिया था ये हसन की फरमाइश पे कि इनको डबल रोटी पे मायोनीज़ बहुत पसंद है, तो इन्होंने कहा कि मम्मी आप ये रखें, मैं ये वहाँ जाके खाऊंगा। और मैंने एक चादर भी रखी है, अगर पार्क में बैठकर खाएं तो ज़्यादा सही रहे। सबसे मेन चीज़ मेरा सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ किया करें अगर आप बीच पे जा रहे हैं, वरना अगर आप नॉर्मल भी बाहर जा रहे हैं 2 बजे के टाइम 3 बजे के टाइम, तो ये इससे स्किन आपकी सेफ रहती है और अच्छी रहती है। ठीक है, अब मैं इसमें रखूँगी टिशू। मेरे पास पॉकेट वाले टिशू भी थे, लेकिन मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा होते हैं और बच्चों के साथ ज़रूरत पड़ जाती है इन सब चीज़ों की, तो मैंने इसलिए पूरा पैक ही रख लिया। ठीक है, पानी की बोतल जो बहुत ज़रूरी होती है। वैसे मैं नॉर्मल जगह पे भी कहीं भी जाती हूँ, अगर किसी रिलेटिव के भी घर जाती हूँ तब भी अपने घर अपनी बैग पे मैं पानी की बोतल ज़रूर रखती हूँ। ठीक है, और ये कुछ रिफ्रेशमेंट रख रही हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खा पी लें थोड़ा, अगर चलो सेब और मैंगो नहीं खाएं भी तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। कर्लीज मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और लेस मैंने इन लोगों के लिए लिया है क्योंकि इन लोगों को पसंद है। बास्केट बिल्कुल फुल एंड फुल हो चुकी है मेरी। ये सामान हमने गाड़ी में लिया है क्योंकि घर में ये नहीं था, तो घर की मैंने आधी बास्केट बनाई थी, फिर हम लोग निकल गए थे गाड़ी में, और फिर मैंने ये बाहर से चीज़ें ली हैं। और अब हम निकल गए हैं जाने के लिए। जब भी ले ली थी हमने क्योंकि हसन की फरमाइश थी, तो इसलिए लेना बस ग्लासेस नहीं है दादे, जो माशाल्लाह से बहुत खुश है, अल्लाह पाक ने बच्चे बचाए। और ये हमें बारिश से बारिश मिली है रास्ते में, आई डोंट नो कि पार्क में कितनी बारिश हुई होगी, हम बैठ पाएंगे नहीं पाएंगे, बट बारिश हमें अभी रास्ते में है। और ये मैंने पहनी एक चप्पल क्योंकि वहाँ पर मिट्टी और पानी से फिर चप्पलें और सैंडल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने पहनी इजी अपनी घर की। और अब हम जा रहे हैं कराची, द लाइट ऑफ सिटी। मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है बट बारिश भी हो रही है, आई होप कि हमारी पिकनिक अच्छे से हो जाए। बाबा का ऑफिस और ये इतना खतरनाक मौसम हो रहा है, आप लोग को नजर आ रहा होगा, पता नहीं हम पार्क जा पाएंगे भी कि नहीं, बट सीवियों का भी कुछ मालूम नहीं है क्या वेदर है वहाँ का, क्या है अब जाकर ही पता चलेगा। अच्छा, जब हम आए थे ना यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ हवा के साथ कि आपको नज़र आ रहा होगा अब्दुल और हसन लोग और इनके पापा पूरे भीगे हुए नज़र आ रहे होंगे, कपड़े एकदम गीले गीले नज़र आ रहे होंगे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हम लोग भीग गए थे। तो अब हम इसमें बैठ कर जाएंगे पानी में। Oh,
और मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। अब्दुल हसन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम आ गए हैं बीच पे और बच्चों की खुशी बच्चों के हमने ट्वाइस लिए थे ये तो बड़ा इनको हो रहा था कि हम इससे खेलेंगे। तो बीच और भुट्टा ओहो बहुत ही मज़ा आ रहा है और ये भुट्टा खाने में मुझे वाकई बहुत मज़ा आया बीच पे और मौसम भी बहुत सुहाना था माशाल्लाह से। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर वापसी बच्चे पूरा भीग चुके हैं और पीछे गाड़ी में बैठे हुए सो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये सिटी है जो मैंने आपको कहा था घर जाकर दिखाऊंगी मैं इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से बस अल्लाह पाक की कुदरत है। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।